ये लोगों की अदालत होती है, हम बड़ी निजामत से लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हाँ हमें पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि सर पीसी किस तरह दिखता है। 370 के एप्लीकेशन के खिलाफ पीसी रहे, हम पहली पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि मैं जेल में था, लेकिन अब यह है कि वापस कैसे ला। ये जो 3 मेंबर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि और कोई कश्मीरी पार्टी लड़ रही नहीं है, इन 3 से वापस नहीं आएगा, मैं वो कहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बिज़्ने अल्लाह वापस एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप बनाया। मुरुगला कहता है और कोई नहीं कहता, आप मुरुगला को जाके पूछिए कि वाजपेयी में, वो वाजपेयी की टाइम में तो मैं प्रेस से भी बोलता हूँ कि आप हमें सवाल पूछते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी पूछिए, उनको पूछिए कि फारूक साहब बाहर कैसे आए, क्या वो कानून की वजह से बाहर आए या बीजेपी की वजह से। अच्छा मैंने लाई जेल में लाई थी, क्या वो देख रहे हैं 87 में आई बिल्कुल, खुद उमर अब्दुल्ला ने, खुद उमर अब्दुल्ला ने बोला कि भाई मिलिटेंसी 87 में आई, उन्होंने रिगिंग की वजह से बंद, ये क्लियर कट बात सबको पता, ये ऐसी आप बोल रहे हो कि आप फोन करो इस वक्त रात या दिन है तो रात कैसे बोलिए। मिलिटेंसी यहाँ लाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, चोरी की वजह से उन्होंने इतनी गंदी चोरी की कि उस वक्त का नौजवान उठा साहब, नेगेटिव कैंपेन उन्होंने शुरू, इल्ज़ाम तराशी उन्होंने शुरू, हम तो चुप करके बैठे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं ना चुप करके, हम वो कोई इल्ज़ाम देंगे तो हमें तो जवाब देना है। अब वो बात बात पर झूठ बोलते हैं, अब ये है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो झूठ इतने बड़े बोलते हैं कि हमें कैपेसिटी कम पड़ जाती है, क्योंकि एक चीज़ मानना पड़ेगा 100 इख्तलाफ इन चीज़ से, लेकिन झूठ बोलने में इनका कोई अब्दुल्ला है, क्योंकि जब कोई मुसलमान लीडर पूरे हिंदुस्तान में कभी बीजेपी के पास मत गया, द फर्स्ट फेमस मुस्लिम लीडर गोविंद बीजेपी और मिस्टर फारूक, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके 2 साल बाद ही गए, तो वो है बाबू जो ने टीमें बनाई हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, 87 की चोरी तो हमारी पार्टी के खिलाफ थी, जेल तो हमको डाला गया है, जेल हम जाएं, लोग हमारे यहाँ मरे और वो बाद में बोलेंगे, आप खुद ही समझा करें, जेल कौन गया, वो या हम, टॉर्चर किसने किया, उसने या हमने, हमने टॉर्चर लिया, हमने जेल गए, हमारे वर्कर मरे, और वो जो है वो आज सर्टिफिकेट पाने, मेरी बात सुनिए, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है, जब जब उनको 75 में हुकूमत प्लेट पर, 87 में पूरे कश्मीर में चोरी की गई उनको प्लेट पर, 96 कौन सा इलेक्शन था वो भी तो प्लेट में दिया, 3 बार हुकूमत उनको दी और अब वो सर्टिफिकेट मांगे, जेल से बाहर वो इसलिए हैं कि बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है, इनको अपने जो नज़ीर साहब हैं जीत के हराने वाला बीजेपी, राइट, कितना और बोलूँगा, वही है 18 बीजेपी और क्या है, और छोड़िए ना मामले में खराब हूँ, मेरे खराब होने से क्या वो अच्छा होता है, वो डिफेंड करे, उन्हें 40 साल हुकूमत की है, वो उसके बिहार पर वोट ले, मेरे खराब होने पर क्यों वो वोट ले, हो सकता है मैं खराब हूँ, उसे क्या होता है, वो अच्छे हो जाते हैं। आज स्टेट नहीं है, यूटी बन गई है, 370 ले गए हैं, हुकूमत उनने की है 40 साल, इसका जवाब वो देंगे या मैं दूंगा, तो बेटर यू आंसर, मुझे किस बात में पूछा, कोई वोट करती होता हमारा वार्ड को, ये अब दूसरा अब एक जुमला बना रहे, राइट, वो बहुत सारे लोगों ने पहले भी जेल में लड़ा है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जेल कोई नई चीज़ है, मेरे बाप ने 10 साल जेल, मेरे भाई ने 2.5 साल जेल, शबीर शाह ने 35 साल जेल लिखा, यासीन मलिक ने उम्र कैद हुई, हजारों लोग जेलों में हैं, डोंट आप बिलिटल मत करिए जेल, जेल में बहुत सारे लोग हैं, डोंट फॉरगेट देम, बहुत सारे लोग जेल में, बट आई बिलीव कि रिकंसिलिएशन होना चाहिए, रिकंसिलिएशन, मेरी बात सुनो, वो पीडीपी का मामला, आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, थोड़ा भीड़वा में आया हूँ, सवाल तो इंटेलिजेंट पूछो यार, क्या हो गया, अच्छा बोला सवाल, सर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब हमें जिताएगा आप नॉर्थ से आओगे तो पॉलिटिकल।